अब कैसी तबीयत है? मैंने तो सुना तो रहा नहीं गया। थैंक यू। नहीं, मैं अब बहुत बेहतर हूँ, शुक्र अल्लाह का। बस ख्याल रखें अपना। हाँ, हो जाता है कभी कभी वैसी सिर्फ हाइपरटेंशन है तो। मेडिसिंस वगैरह ली? ली हैं। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हें काम की तमीज नहीं है, सिरे से दिखाई नहीं देता। जब देखो कोई ना कोई हरकत करती हो। सुखी बेटा, गलती होगी, बच्ची है। लगता है अभी गांव से आई। मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। अब तुम आ जाओगी ना, सब ठीक कर लेना। हाँ जी, यहाँ काफी मिसमैनेजमेंट है। क्या बात होगी? शायद गलती मेरी है, मुझे यहाँ कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा। बहुत डर लगता है मुझे हुरिया बीबी के गुस्से से, अक्सर गलती हो जाती है मुझसे। मैं ऐसी ही हूँ, क्या करूँ मैं? इट्स ओके। क्या नाम है तुम्हारा? नूरा। यस, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है। फोन है तुम्हारे पास? नहीं। अभी ड्राइवर को बोल के मंगवा देते। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अगर किसी को पता चल गया तो? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आजकल की जरूरत है और इसमें तुम्हारी प्यारी प्यारी सेल्फीज भी आ जाएंगी। क्या हो रहा था तुमसे? कुछ भी तो नहीं। सब पता है मुझे। क्या कह रहे थे सालार साहब? कहा ना, कुछ नहीं, एक बात के पीछे ना पड़ जाएगा। नूरा, पीछे हट। राम सर, मेरा नाम शीदा है जी। मैं हुरी बीबा का ख़ास आदमी हूँ, बहुत एहसान है उनके मुझ पर। जमानत कराई थी उन्होंने मेरी झूठे केस के सिलसिले में। जानता हूँ मैं तुम्हें। हुरिया बीबी के कहने पर तुम्हारी जमानत मैंने ही करवाई थी। अगर तुम ये समझते हो तुम्हें मज़ीद मोहलत मिल जाएगी तो ये गलत है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है सर, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन सर, हुरिया बीबी के मुखालिफिन ने ही तो मुझे अंदर करवाया था झूठे केस के सिलसिले में। आप मदद नहीं करेंगे तो सर कौन करेगा? मुखालिफिन से तुम्हारी क्या मुराद है? सर, मलिक दिलावर का मुलाजिम बख्तू। बख्तू? वो मामूली मुलाजिम? जी सर। आप जानते नहीं आपकी नाक के नीचे छुपकर क्या खेल रचाया जा रहा है। पहेलियां मत बुझवाओ, खुल के बताओ। यार, बख्तू जो दिखता है ना वो बख्तू नहीं है। तो फिर क्या है? बता सकता हूँ आपको, सब कुछ बता सकता हूँ। पहले आप मेरी मदद करने का वादा करें। सर देखें, जो रिपोर्ट मेरे पास है ना, अगर मैं वो किसी न्यूज चैनल को दूंगा ना तो वो मुझे ठीक ठाक। पहले तुम हुरिया बीबी से ठीक ठाक पैसे बटोर चुके हो, तुम महज बातें करते हो, प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है सर, तो जो रिपोर्ट मेरे पास है मैं वो सीधा न्यूज चैनल को दे देता हूँ, आप जाने और मीडिया जाने।